इज ए नेगेटिव इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट एक्स ऑफ टी डेल 4t dt. ओके डेल 4t dt. तो एने केवी रीते ट्रीट करीशु एकोर्डिंग टू स्केलिंग प्रॉपर्टी. एकोर्डिंग टू स्केलिंग प्रॉपर्टी कई है आ 1/α इंटू dt. तो अहीं शू आवशे डेल 4t इज इक्वल्स टू 1/α एटले 4 इंटू डेल टी. बराबर. तो आपणे एने आ रीते लखी शकीए कि इज इक्वल्स टू आ तो छे लेफ्ट बाजु. हवे इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट एक्स ऑफ टी एज इट इज डेल 4t ना जगह 1/4 डेल टी डीटी. 1/4 ने आपणे बहार लई लईए तो 1/4 नेगेटिव इन्फिनिट टू पॉजिटिव इन्फिनिट एक्स ऑफ टी डेल टी डीटी. हवे जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी प्रमाणे आपणे आ चेक करी के अहीं डेल टी होय तो एने टी माइनस टी झीरो पर शिफ्ट करी अने टी झीरो इज इक्वल्स टू झीरो लई शकाय. आवी ज वस्तु आ हतुं एक्स ऑफ टी डेल टी. तो एने आपणे शिफ्टिंग प्रॉपर्टीनो यूज करी अने झीरो पर जे होय ए ज वेल्यू आपणे लखी हती. तो अहींयाथी फरीथी फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एज इन केस वन में जे आपणे कर्युं ए ज प्रमाणे. तो ए प्रमाणे जोईए तो एक्स ऑफ टी झीरो पर केटला छे तो 2. बराबर. एक्स ऑफ टी आर्यु घट्टू सिग्नल झीरो पर केटलू छे 2. तो ए 1/4 अने बाकी ए एक्स ऑफ 2 अने एक्स ऑफ 2 पर वेल्यू केटली छे 2. तो आनो जवाब आवशे 1/2. फोर्थ छे फोर्थ शोधू एक्स टी साइन टी डेल्टा टी. इंट्रीगेशन नहीं एक्स टी साइन टी डेल्टा टी. तो अहीं आपणे कई प्रॉपर्टी यूज करीशू प्रोडक्ट छे एटले प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करीशू. प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ने अनुसार आ रीते लखी शकाय के वाय ऑफ टी डेल्टा टी इज इक्वल टू वाय ऑफ झीरो डेल्टा झीरो. तो अहीं शू छे साइन ऑफ टी डेल्टा टी. एक्स टी बात नहीं साइन ऑफ टी डेल्टा टी. तो आप पहला एना पर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी एप्लाय करिए साइन टी डेल्टा टी. तो शू कर सकें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अनुसार साइन झीरो डेल्टा झीरो सॉरी डेल्टा टी. पर साइन झीरो तो झीरो ज हो हमेशा अँ शू झीरो अने पछी एक्स ऑफ टी साइन टी डेल्टा टी. तो एने शू लखी सकें एक्स ऑफ टी साइन टी डेल्टा टी तो झीरो है तो अँ जवाब आ झीरो. बराबर. तमे एज प्रमाणे एक्स टी डेल्टा टी पण पहेला करी शकता हता तो तमने जवाब 2 मळे 2 इंटू साइन टी. पण 2 क्यारे टी इज इक्वल टू 0 वखते अने साइन टी माटे इज इक्वल टू 0 वखते 0 तो पाछू 0 इंटू 2 तमने 0 मळे. फिफ्थ प्रॉपर्टी छे साइन एक्स टी डेल्टा टी. ओके. तो साइन एक्स टी डेल्टा टी सारदो ગુણાકાર છે એટલે એક્સ ટી ડેલ્ટા ટી. બરાબર. તો એને આ રીતે લખી શકાય એક્સ ઝીરો ડેલ્ટા ઝીરો. કઈ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી? યુઝિંગ પ્રોડક્ટ પ્રોપર્ટી. ઓકે. એક્સ ઓફ ઝીરો શું છે? 2. અને એ વખતે એનું એડિશન જો કરીએ ડેલ્ટા ટી તો એ પણ શું આવે? 1. એરિયા અંડર ધ કર્વ. તો આની વેલ્યુ કેટલી બને? પાછી 2. એટલે એકચ્યુઅલી આમાં ડેલ્ટા ટીની ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન લેવું પડે તો એની વેલ્યુ મળે. પણ ઇન્ટિગ્રેશન લઈશું તો 0 ઉપર જ આપણને એની વેલ્યુ